रामगढ़ ताल नौका विहार स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन व्यक्तित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अवलोकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उनकी बचपन से लेकर और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर किस प्रकार से उन्होंने काम किया, उन सभी चित्रों को लगाया गया है। आज वह प्रधान सेवक के रूप में भारत के मस्तक को दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महामंत्री अच्युतानंद शाही, देवी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक शशिकांत सिंह, ब्रजेश मिश्रा, रणविजय शाही, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, अनुपमा पांडे सहित महानगर के समस्त पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, थोड़ा सा जगह आप लोग दे दीजिएगा, जगह बना दीजिएगा, थोड़ा फर्टिलाइजर मैदान और एक देश मोदी जी बचपन में नौजवानों को चाय और ये जब देवेश बाबू इधर आइए, आप आइएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ये आप लोगों को आगे भैया ये पूरा जानकारी भी है। देखिए मेडिकल कॉलेज का कितने वैश्विक मान्यता दिला, बहुत बड़ा परिवार बचाने के लिए आप जगह चेंज होता है पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में गुजरात में बहुत बहुत बड़ी मैंने अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करें, कैसा लग रहा है? कल 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी जी के जयंती तक हम विभिन्न प्रकार के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम सम्पन्न किया है और आज मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रदर्शनी जो हर जगह लगी है उसी का शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर भी गोरखपुर महानगर में सरकार और संगठन के सहयोग से एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है जिसका अवलोकन हम सब कर रहे हैं। मोदी जी के बचपन से लेकर के और अभी तक के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक प्रमुख चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया गया है, उसका अवलोकन हम सब कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने जीवन? देखिए मोदी जी का जीवन यही एक अन्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। अन्य पार्टी परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर चलती है, मोदी जी से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता से एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति भी
अगर देश के प्रति समर्पण है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, तो सर्वोच्च कुर्सी पर, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर भी जा सकते हैं। और मोदी जी ने उसको जो देश के में सैकड़ों वर्षों से लोग अपेक्षा किए थे, जिन आकांक्षाओं को पूरा करने का सपना इस देश के शहीदों ने, इस देश के लोगों ने सोचा था, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की 5-5 पीढ़ियों ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम, सच में अंत्योदय का सपना, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आवास मिल जाए, उसको शौचालय मिल जाए, उसको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाए, ये सब काम पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो 1953 से लेकर के भारतीय जनसंघ और इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिलनी चाहिए, इस देश में तमाम इस प्रकार की समस्याएं थी, उनको समाधान करने का काम, चाहे वैश्विक स्तर पर भारत के सम्मान को, भारत के मान को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं, मोदी जी का कल जन्मदिवस था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश भर का आम नागरिक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मोदी जी दीर्घायु हों और लंबे समय तक इस देश को उनका नेतृत्व मिलता रहे।